first heading inertia. Okay, what is inertia? Can you suna tha kya word? Dabar. Newton's first law. Newton's first law is also called as law of inertia. Q. What is law of inertia? Newton's first law of motion. Everybody remains at rest or in motion until and unless external forces applied to it. Unbalanced forces applied to it. Well, let's suppose do example lete, okay? This one. ठीक है अपना प्रज्वल है ठीक है प्रज्वल एक बॉडी प्रज्वल है हाँ जैसे मोटा ऑब्जेक्ट पाजी बता छोटा ऑब्जेक्ट को ना लगे हो जयेश जयेश आशुतोष ठीक है सेकेंड ऑब्जेक्ट आशुतोष है ठीक है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबाउंडेड बैलेंस फोर्सेज अप्लाई टू इट प्रज्वल और आशुतोष किसको फोर्स सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मोशन में जाएगा मैंने हल्का सा फोर्स दिया एक प्रज्वल को दिया एक आशुतोष को दिया आशुतोष इसीलिए मूव होगा ठीक है मतलब किसने ज्यादा रेजिस्ट किया प्रज्वल ने रेजिस्ट किया सपोज प्रज्वल जोर से भागते आ रहा है और आशुतोष भागते आ रहा है और रोकना है दोनों को तो किसको रोकना इजी है आशुतोष को रोकना इजी है किसको रोकना डिफिकल्ट है प्रज्वल मतलब रेजिस्ट कौन कर रहा है प्रज्वल ठीक है मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है ठीक है लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड मतलब अगर मैंने आशुतोष को फोर्स अप्लाई किया तो वो इजीली मूव होगा मतलब उसका इनर्शिया क्या है कम है इनर्शिया मतलब ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो अभी जो स्टेट में है एक तो रुका हुआ है वो उस रुके हुए मतलब स्टेट को अपोज करेगा बराबर एक तो वो भागते आ रहा है ठीक है वो भागते जो आ रहा है वो मोशन को वो अपोज करेगा कौन ज्यादा अपोज कर रहे हैं प्रज्वल ज्यादा अपोज कर रहे हैं बराबर और आशुतोष क्या कर रहा है इमीडिएटली चेंज कर रहा है जो उसका स्टेट है अभी जो स्टेशनरी है स्टेशनरी से मोशन और मोशन से स्टेशनरी एकदम इजीली जा रहा है मतलब उसका इनर्शिया क्या है कम है लेकिन तुम लोग इनर्शिया तुमको पता नहीं था फिर भी तुम लोगों ने बोला कि कौन जल्दी रुकेगा और कौन देर से रुकेगा कौन सी क्वांटिटी मेजर किया मास तो लीनियर मोशन में इनर्शिया मतलब मास क्लियर है तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इनर्शिया मतलब क्या मास तो इनर्शिया का बेसिक मीनिंग क्या है ऑपोजिशन टू स्टेट मतलब अभी जो स्टेट में उसको अपोजिशन अगर वो रुका हुआ है तो रुके हुए स्टेट को अपोजिशन अगर वो मूव कर रहा है तो उसको अपोजिशन दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया और लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन होता है मास जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया ठीक है जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया ठीक है ट्रेन और प्रज्वल किसमें ज्यादा इनर्शिया ट्रेन ट्राई मत करो ठीक है डोंट ट्राई एट होम ठीक है और ठीक है लिख लो सिर्फ In linear motion, inertia is mass. In linear motion, inertia is mass. और सिर्फ शॉर्ट में लिख लो inertia is opposition to state of motion. Inertia is opposition to state of motion. Meaning clear? Next heading the moment of inertia. Moment of inertia. In rotational motion. In rotational motion, inertia is called as rotational inertia. Inertia is called as rotational inertia or moment of inertia. Rotational inertia or moment of inertia bracket लिखो mi m capital m capital i moment of inertia clear है ठीक है अभी example देखो एक top है ठीक है top ठीक है इसे door का example ले लो door को अगर force apply करेंगे तो rotate होगा correct ना ये object ये अगर object है यहाँ पर रखा हुआ है इसको अगर force apply करेंगे तो ये linear motion में जाएगा correct
डोर को अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो ये कैसे जाएगा, सर्कल में जाएगा, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, बराबर। टॉर्क मतलब एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक डोर है, ये डोर रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अपने घर का एकदम बड़ा वाला दरवाजा ले लो, वुडन डोर, किसको रोटेट करना चाहिए, इसको रोटेट करने के लिए, मतलब क्या, ये रुका हुआ है, इसको अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये इजीली रोटेट हुआ, वो घर का बड़ा वुडन डोर इजीली रोटेट होगा क्या, मतलब किसमें इनर्शिया ज्यादा है, ये डोर या घर का वुडन डोर, तो उसमें इनर्शिया ज्यादा है और ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उस इनर्शिया को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन सेम होगा, ये जो रोटेशन हो रहा है इसको अपोज करना है, जो जितना ज्यादा अपोज करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है मीनिंग, ठीक है। सो राइट ऑफ नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सपोज हम लोग ने एक रिजिड बॉडी लिया है, रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या होता है, टेक एनी पॉइंट्स, इस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं बॉडी पर, शेप ऑफ दिस बॉडी विल नॉट चेंज, मतलब पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस विल नॉट चेंज, सच बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर इस बॉडी को रोटेट किया मैंने अबाउट दिस एक्सिस, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो पूरा का पूरा बॉडी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स भी सर्कल में जाएंगे, ये पॉइंट अबाउट दिस सेंटर ऐसा सर्कल में जाने वाला है, ये पॉइंट भी अबाउट दिस सेंटर सर्कल, इसका ये भी ये छोटा सर्कल और ये पॉइंट भी सर्कल, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल हैव वेलोसिटी वी वन, सबका ओमेगा विल बी सेम, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने स्टडी किया था, ओमेगा विल रिमेन कॉन्स्टेंट, एंगुलर स्पीड सबका क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ वेलोसिटी विल चेंज। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक हम लोगों ने एक रोप लिया था, ठीक है, और रोप के दो पॉइंट्स पे ये सपोज सेंटर है, ये दो पॉइंट्स लिए हम लोगों ने, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, सर्कल में जा रहा है, ठीक है। तो किसको फास्ट भागना पड़ेगा, इनसाइड पर ये पॉइंट वन या पॉइंट टू, बराबर, पॉइंट वन को स्लो भागना पड़ेगा, पॉइंट टू को फास्ट भागना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टू को ये बड़ा वाला सर्कल कवर करना है और पॉइंट वन को ये सर्कल कवर करना है, और सब कुछ एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, सबका स्पीड सेम है, तो इसको फास्ट भागना पड़ेगा और इसको स्लो भागना पड़ेगा, तो सबका स्पीड क्या है, अलग अलग, तो सबका वी अलग अलग होगा, सो पॉइंट वन का वी विल बी वी वन, पॉइंट टू पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर, पॉइंट टू ये वी टू, अगेन वेलोसिटी विल बी टेंजेंट, बराबर, सपोज ये सर्कल है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो वी विल बी एस अ टेंजेंट, ये वी थ्री, बराबर है, ये सर्कल ये ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी वी फोर, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू सर्कल, तो हर एक का स्पीड कितना हुआ v, हमको डिराइव क्या करना है, हेडिंग क्या डेरिवेशन का, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सपोज पॉइंट वन के लिए काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पॉइंट वन के लिए देखेंगे इसलिए वी वन स्क्वायर आएगा, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में v और ओमेगा में रिलेशनशिप क्या है, आर ओमेगा ये होल स्क्वायर, बराबर, ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां तक राइट है, कुछ डाउट, ठीक है, ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, पहले पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन कर देते हो, देन कॉपी डाउट, ये याद रहेगा, ठीक है, ये कहां पर लिखना है, राइट साइड में कहीं पे तो लिखना है, ये हिंट है, पूरे डेरिवेशन का हिंट ये, डेरिवेशन काफी लेंदी है लेकिन पूरे डेरिवेशन सिर्फ ये तीन स्टेप में खत्म होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v का फॉर्मूला आर ओमेगा होल स्क्वायर था इसलिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और पूरा थ्री मार्क्स का डेरिवेशन खत्म, सिर्फ अभी लेंदी क्या है, हर एक पॉइंट के लिए कंसिडर करना है, ठीक है, लिखना कैसा है, कंसिडर रिजिड बॉडी, कंसिडर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, स्पीड ऑफ पॉइंट वन वी वन, पॉइंट टू वी टू, पॉइंट थ्री वी थ्री, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट वन, पॉइंट वन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी वन इक्वल टू हाफ एम वन v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v की जगह पर r1 ओमेगा स्क्वायर, सबका ओमेगा इज सेम, बराबर, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये राइट है,
4.2 काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर r1 r2 क्या है वैसे ये डिस्टेंस ये r1 है ना 0.2 का डिस्टेंस r2 0.3 का ये 0.3 r3 हां क्लियर है ठीक है तो नेक्स्ट क्या करो इसको अगेन ब्रैकेट ओपन तो ये होगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0.3 के लिए सिमिलरली होगा तो सिमिलरली nth पॉइंट के लिए होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पॉइंट इज हाफ mn vn स्क्वायर इक्वल टू हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कुछ डिफिकल्ट किया यहां पे इजी है देयरफॉर पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सबका एडिशन पर ना हर एक का काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड किया देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n सबका जब सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ कॉमन आएगा कि सब में से बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन और क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस टिल mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्लियर है ठीक है नेक्स्ट हाफ ये जो है एडिशन इज ऑलवेज रिटन एज समेशन बराबर एडिशन मतलब समेशन इसको हम लोगों ने समेशन साइन में कन्वर्ट किया और ये 1122 है सो वी राइट इट एज m i r i स्क्वायर राइट है i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक इसका मीनिंग क्या हुआ पहले i इक्वल टू 1 सो m1 r1 स्क्वायर समेशन है तो प्लस फिर i इक्वल टू 2 m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर कहां तक जाना है n तक जाना है तो mn rn स्क्वायर तक स्टॉप ठीक है ये पूरा टर्म और क्या बचा हुआ है ओमेगा स्क्वायर तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ ये किसका काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन बराबर तो इसको यहां पर सिर्फ कर देता हूं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन यहां तक क्लियर है ठीक है ये हुआ इक्वेशन इक्वेशन 1 क्लियर है सो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज हाफ समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर व्हाट इज फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल स्टैंडर्ड फार्मूला ट्रांसलेशनल का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस बराबर ना ये ट्रांसलेशनल ये रोटेशन हाफ और हाफ सेम है ट्रांसलेशन में वेलोसिटी रोटेशन मतलब ही सर्कुलर मोशन हर एक पॉइंट सर्कल में जा रहा है सर्कुलर मोशन में वी का क्या हो जाएगा ओमेगा मतलब हाफ और हाफ सेम वी और ओमेगा एनालॉगस तो यहां पर जो एम है और ये ब्रैकेट एनालॉगस होगा बराबर यहां पर जो एम है और यहां पर जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है दोनों सेम होना चाहिए मीनिंग वाइज एम मतलब क्या होता है मास मतलब क्या इनर्शिया तो ट्रांसलेशन में दिस इज इनर्शिया तो रोटेशन में ये इनर्शिया होगा रोटेशन में इनर्शिया इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हुआ समेशन एम आई आर आई स्क्वायर बराबर देयरफॉर वी कैन राइट इट एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू n so this is formula for moment of inertia logic clear hai theek hai suppose if you have three objects point ye formula kab valid hai only for point object hai teen objects to formula kya hoga m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square har point ka mass m1 m2 m3 aur r matlab distance from axis of rotation jo bhi axis of rotation se wahan se wo point ka distance kitna hai that is r1 r2 R3. अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है तो फार्मूला क्या होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्योंकि हम लोगों ने ये पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट 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 ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है और फिर कैलकुलेट किया डेरिवेशन क्लियर है ठीक है याद क्या रखना है ओनली दिस मच बराबर ना यही तो है
यही हम लोगों ने कितनी बार लिखा है, 1, 2, 3 और ये n टाइम्स, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पर लिखा आर ओमेगा, सो आया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वही हम लोगों ने एन पॉइंट्स के लिखा, सबको एड, कॉमन क्या है फिर हाफ कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन, बाकी वाला टर्म ब्रैकेट में, और इस टर्म को क्या लिखा समेशन, देन कंपेयरिंग इट विद ट्रांसलेशनल मोशन, मैंने ट्रांसलेशन मोशन के साथ कंपेयर किया हम लोगों ने, और फाइनली कंक्लूजन निकाला हाफ एनालॉगस वी एनालॉगस, तो ये वाला भी क्या होगा एनालॉगस, मतलब सेम मीनिंग, अलग मोशन बस मीनिंग क्या है सेम है, तो ये अगर इनर्शिया है तो ये क्या होगा मोमेंटम,